दिल मानय ना की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि हानिया हमज़ा की गाड़ी से उतर रही होगी और वो बहुत ज़्यादा खुश होगी क्योंकि उसे उसकी वालदा ने बता दिया होता है कि उसके वालिद के साथ उसने निकाह किया था बाकायदा और वो कोई बदज़ात नहीं, कोई नाजायज़ औलाद नहीं है, बल्कि उसकी वालदा आलिया ने उसके वालिद के साथ बाकायदा निकाह किया था और उसके पास अभी तक निकाह नामा मौजूद है। तो हानिया इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होगी क्योंकि उसे अब अपनी ज़ात मोतबर होती नज़र आ रही है और वो जो हमेशा गिल्ट फील करती थी और अपने आप को बुरा समझती थी, अब उसकी ज़िंदगी में भी अच्छे दिन आने वाले हैं। वो काफ़ी खुश होगी, ऐसे में मुइज़ उसको वहाँ पर देख लेगा और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। वो हानिया को हमज़ा के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो हमज़ा से इसीलिए नफ़रत करता है क्योंकि वो हानिया में इंटरेस्ट लेता है और हानिया को पसंद करता है और ये बात मुइज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं। हालांकि उसकी मुनज़ा से शादी हो भी चुकी है और उसने मुनज़ा से शादी भी सिर्फ इसीलिए की है ताकि उस घर में उसका भी आना जाना लगा रहे और हानिया से उसकी मुलाकात होती रहे क्योंकि वो हानिया को असल में पसंद करता है। तो वो हमज़ा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और गुस्से में घर जाएगा और मुनज़ा से जाकर कहेगा कि इस इलाके में हमारी कोई इज्जत है, अगर हानिया इसी तरह गाड़ियों में लोगों के साथ घूमती फिरती रहे तो लोग बातें बनाएंगे और लोगों के सवालों का जवाब किसे देना होगा, हमें ही देना होगा क्योंकि हम एक ही महल्ले में रहते हैं, तो तुम अपनी बहन को समझाओ कि वो इस तरह हमज़ा के साथ ना मिला करे। तो इस बात पर मुनज़ा जो है वो कहेगी कि तुम जबान संभाल कर बात करो, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तुम हानिया के बारे में ऐसी बात क्यों कर रहे हो और तुम्हें हानिया का हमज़ा से मिलना क्यों पसंद नहीं है। तो मुइज़ जो है वो कहेगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग हमारे बारे में बातें करें। लेकिन मुनज़ा जो है वो मुइज़ की नीयत को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझती है, उसे मालूम है कि मुइज़ जो है वो हानिया को पसंद करता है। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि हमज़ा भी घर जाएगा और अपनी वालदा से फिर हानिया के लिए बात करेगा और यही कहेगा कि आप हानिया का रिश्ता लेकर मेरे लिए जाएँ। तो उसकी वालदा भड़क उठेंगी और कहेंगी कि तुम्हें हानिया के अलावा कोई लड़की नज़र नहीं आती, मैं उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करती और वो एक बदज़ात है, नाजायज़ औलाद है जिसे तरस खाकर शबाना ने पाला है और तुम उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी हो। दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक लड़की है, तुम किसी भी लड़की के बारे में ख़ुद से मुझे कहो या फिर मैं ख़ुद तुम्हारे लिए लाखों में एक लड़की पसंद करके लाऊँगी। तो हमज़ा कहेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ़ और सिर्फ हानिया से शादी करूंगा क्योंकि हानिया ही मेरी मोहब्बत है और जो आप हानिया के बारे में बात कर रही हैं वो किसी की नाजायज़ औलाद नहीं है और वो बदज़ात नहीं है बल्कि उसकी माँ के पास अभी तक निकाहनामा मौजूद है और उन्होंने ये निकाहनामा महफूज करके रखा हुआ है। यह सुनकर हमज़ा की वालदा काफ़ी हैरान होंगी और गुस्से में कहेंगी कि अगर उसकी वालदा ने निकाह किया ही था तो उन्होंने निकाह छुप कर क्यों किया और निकाह नामा अभी वो दिखाने की क्या ज़रूरत है, क्यों उन्होंने छुप कर किया और अगर उन्होंने निकाह कर ही लिया था तो अपनी बेटी को इस तरह फेंक कर क्यों चली गई। जिसके जवाब में हमज़ा कहेगा कि इस बात का जवाब मैं आपको बाद में दूंगा लेकिन अभी मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप मेरा रिश्ता लेकर हानिया के घर जाएं। जिसके जवाब में उसकी माँ कहेंगी कि तुम पर तो हानिया की मोहब्बत का भूत सवार हो गया है, तुम्हें इस भूत को उतारना होगा, मैं कभी भी हानिया से तुम्हारी शादी नहीं करूँगी।